नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे हरियाणा छत्तीसगढ़ की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पत्थलगांव विधानसभा के ग्राम बटईकेला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बटईकेला ग्राम में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूर्ण विधि विधान से और मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के दौरान बाग बहार में किसान गौरीशंकर यादव के घर दोपहर का भोजन किया और कहा कि भाई गौरीशंकर के घर खाना खाकर आनंद आया। शुद्ध देशी और छत्तीसगढ़ खाना का ये स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। और वहीं किसान गौरीशंकर यादव ने कहा कि ये मेरे किसी सपने से कम नहीं है, किसी सपने के सच होने के समान ही है। मैंने किसी उम्मीद नहीं रखी थी कि प्रदेश के मुखिया मेरे घर आकर खाना खाएंगे। ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। जरीन, आपसे जानेंगे, सीएम बघेल पहुंचे और गौरीशंकर जो किसान उनके घर खाना खाया, आसपास में भी उन्होंने तमाम चीजें देखी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी कोमल जी, आपको बताना चाहूंगा कि सीएम आज बीच में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम एक दो दिन बाधित रहा, वजह थी हरियाणा का दौरा सीएम का। आज उसके बाद आज जब गौरीशंकर के यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने उनके घर का बना खाना खाया। सीएम की कोई भी फरमाइश नहीं थी कि मुझे ये खाना चाहिए, चटनी का भी आनंद लिया और उसके बाद वहां से प्रसन्नचित होकर सीएम निकले। कोमल जी, चुनावी मौसम आ चुका है सीएम के दौरे से ऐसा लगता है, और सीएम को भी उम्मीद से ज्यादा प्रतिसाद मिल रहा है। सीएम ने भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर अपेक्षा नहीं की होगी कि इतनी भीड़ जुटेगी, तो उनके कार्यक्रम में बेहद ज्यादा भीड़ जुट रही है और लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ये बात बहुत मायने रखती है। तो सीएम का भेंट मुलाकात आज दूसरे चरण का अब फिर से शुरू हो गया है। सीएम इसके साथ ही कल से जसपुर बिलासपुर संभाग में निकलेंगे, तो सीएम को जो प्रतिसाद मिल रहा है उससे सीएम बेहद खुश है, लेकिन विपक्षी पार्टी के होश उड़े हुए हैं कि सीएम को इतनी अपेक्षा नहीं थी। वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राशन कार्ड जिसका नहीं बना है वो राशन कार्ड पहले लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों के यहाँ खाना खा रहे हैं, रुक रहे हैं, बच्चों को अपनी गोदी में उठा के पुचकार रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सीएम के लिए ये बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो कोमल जी, जी चलिए, बहुत शुक्रिया जरीन ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पेहरीद गांव में 11 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। बोरवेल में बच्चे के गिरे 17 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे निकालने में सफलता नहीं मिल पाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बच्चे को बचाने के लिए लगातार जुटी हुई हैं। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। जेसीबी की मदद से करीब 50 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। लगभग 60 से 65 फीट गड्ढे किए जाने के बाद बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का पल पल सीएम भूपेश बघेल अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने बोरवेल में फंसे मासूम राहुल के माता पिता से बात कर बच्चे के सकुशल घर वापसी का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा प्रशासन शासन राहुल की सकुशल वापसी के लिए लगा हुआ है, आप लोग धैर्य रखें, राहुल की सकुशल वापसी होगी। देखिए, इस घटना की जानकारी लगभग 5 बजे के आसपास मुझे रिसर्च पे के माध्यम से मिली थी और हमारे जो एडीएम हैं वो पास में सख्ती में ही थे, तो सबसे पहले मैंने इनको और एसडीएम को स्पॉट पे भेजा और जो एहतियाती उपाय हैं जितने इमीडिएटली हो सकते हैं, मसलन मशीनों की व्यवस्था, हमने ये तुरंत फोर्सी कर लिया कि अंधेरा हो सकता है तो ईएनडीएम के लोगों को लाइट्स अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट्स, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स, कैमरे के अरेंजमेंट इमीडिएटली हमने कहा। उसका परिणाम ये रहा कि आधे घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन स्पॉट पे जो इनिशियल ऑपरेशन है रेस्क्यू का वो करने में कामयाब रहा और लगातार हम करते रहे।
खुद देख पाए होंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें और लगातार काम करते रहे और लगभग 30 से 35 फीट गहरा गड्ढा भी हम लोगों ने पैरेलली कर लिया है। इस बीच में हमने दूसरी बात ये भी की कि इमीडिएटली जो SDRF है उसको NDRF के जो हेडक्वार्टर हैं रीजनल कटक में उनसे कॉन्टैक्ट करके कटक में जो इसके एक स्पेशलिस्ट हैं ब्रिगेडियर मोहंती उनसे बात करके तमाम चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश की। उसका नतीजा ये है कि SDRF की टीम पहुँच चुकी है और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। थोड़ी ही देर पर NDRF की टीम भी यहाँ पर आ रही है। तो उम्मीद है कि सबके प्रयासों से जो बच्चा राहुल फंसा हुआ है उसको हम निकाल पाने में कामयाब होंगे। कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने बात की, अभी तक एक बच्चा सफल है लेकिन जो खुदाई कर रही थी कि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के ही जो कुछ खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर SP अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारी महत्वपूर्ण है कि बचाने भर को। देखिए मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्रेम और भाईचारा का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने लगातार दिया है, उसको लेके आगे बढ़ने की है। मैं पहले ही बार बार बोला हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी के जरूर लाभ हो रहा है लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। संवाददाता अनूप हमारे साथ, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, बच्चे के क्या हाल है और किस तरह से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, कितना और वक्त लगेगा, क्या अपडेट है? जी कुमार जी, बताना चाहूंगा जांजगीर चांपा जिले के माल सदर थाना क्षेत्र ग्राम पीड़ित का राहुल साहू रहने वाला है, जो घर के आंगन में खेल रहा था उसी दौरान पैर फिसलने से बोरवेल में जा गिरा। परिजनों ने 112 को सूचना दी, तत्काल मौके पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सारे आला अधिकारी उपस्थित हुए। मामला को गंभीरता देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने भी तत्काल निर्देश दिए कि बच्चे को जल्द ही सही सलामत रेस्क्यू किया जाए। मौके पर SDRF, NDRF, श्री मयंक श्रीवास्तव जी की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, विभाग के IG, कलेक्टर सभी उपस्थित हैं। जी बोरवेल में बच्चे को माता-पिता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनको कैसे सहानुभूति दी जा रही है? जी माता पिता को जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया जा रहा है। मौके पर SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चे राहुल साहू को कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बच्चे को खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं भी रस्सी के माध्यम से नीचे पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कांटेक्ट भी किया जा रहा है, ऐसे में ये भी जानेंगे कि NDRF और SDRF की टीमें ही लगातार वहां पर हैं। अन्य जिस तरह से हम बोरवेल को लेकर बात करें, ये कहीं ना कहीं लापरवाही से सामने आ रही है या फिर वहां पर रैंडम काम चल रहा था? जी परिजन की माने तो बताया गया कि राहुल साहू के पिताजी घर से बाहर गए हुए थे और बोरवेल के ऊपर कढ़ाई नुमा एक ढक्कन बनाया हुआ था, उनको बोर ढक के रखा था लेकिन बच्चे जब आंगन में खेल रहा था उनको जा करके बच्चे का पैर लगा और जा गिरा। चलिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां मंत्री ने जिला पंचायत सभागार में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और धीरी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले में भानु प्रताप ने कहा कि हम पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत PHE की धीरी प्रोजेक्ट को 24 गांव में शुद्ध पानी देना था। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 28 करोड़ थी जिसे बढ़ाकर 42 करोड़ रुपए तक की गई। इतने बड़े बजट के खर्च किए जाने के बावजूद भी कई गाँव को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में इस गड़बड़ी की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश मंत्री भानु प्रताप की तरफ से दिए गए हैं।
और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। प्रभावितों ने मुख्य सड़क पर धरना देने के साथ ही चक्का जाम शुरू कर दिया। दरअसल कोरबा के पंतोरा हाटी स्टेट हाईवे सड़क मार्ग के लिए साल 1977-78 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। आज सड़क पर आवागमन भी शुरू हो गया है, इसके बावजूद प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आपको बता दें कि साल 2020-21 में सड़क चौड़ीकरण के लिए भी जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा का निराकरण नहीं किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 77-78 में एक्विजिशन हुआ था जमीन का, इस सड़क के लिए बलौदा और अटी रोड। आज तक उसका तो सही ढंग से सीमांकन भी नहीं हुआ था और पेमेंट भी नहीं हुआ। इस प्रकरण में 77-78 में एक नायब तहसीलदार जेल गया था। अब वो क्यों जेल गया था, रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं, लेकिन जेल गया था उसके बीच में दंडात्मक कार्रवाई हुआ था। अब उसको आज क्या बोलते हैं, हमारे कहने के बाद में करीब करीब 6-7 महीना पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज में की आवाज के सामने भूख हड़ताल करने की नोटिस दी है। तो दोनों तो गायब हो गए, चले गए। वो अपने काम से भी हो सकता है कह रहे होंगे, लेकिन उस दिन उपलब्ध नहीं थी। रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बना दिए हैं या पहले का रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसमें मुश्किल से 7-8-10 किसान होते हैं, जबकि आज 30-25 किसानों का अधिग्रहित नाम बताया जा रहा है और कुछ किसानों का तो अधिग्रहित। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश, विधायक धरना दे रहे हैं और इस तरह के जब प्रदर्शन देखा जाता है तो जाहिर सी बात है तेजी से काम करना चाहिए, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी कोमल, आपको बता दूं कि जो हमारे रामपुर विधायक ननकी राम कंवर हैं, उनका कहना है कि जो पूर्व में जमीन जो है यहाँ जांगी जिले के पंतोरा से लेकर कोरबा जिले के हाटी तक सड़क निर्माण हुआ था, उसमें कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। उस तत्कालीन समय में सड़क बन गई, सब परिवहन आगमन सब शुरू हो गया, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। इसके पूर्व भी पूर्व गृह मंत्री ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, उस समय प्रशासन ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी तत्कालीन समय में प्रदर्शन समाप्त होकर फिर से जब उनका मांग पूरी हुई तो फिर उन्हें भूख हड़ताल बैठना पड़ा और प्रशासन के खिलाफ उनका ये भूख हड़ताल जारी है। उनसे सीधे स्पष्ट कहना गया था मांग पूरी होगी तब तक वे हड़ताल नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत स्नातक और पूर्व स्नातक पदों के लिए दूसरे चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 17 जून तक रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा छत्तीसगढ़ के रायपुर, भिलाई और दुर्ग शहरों के कुल 6 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। बता दें, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोरबा में बाजार लगाने को लेकर विवाद जारी है, जहां कुछ व्यापारी यहां साप्ताहिक बाजार की मांग कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग रोज मार्केट लगाए जाने के पक्ष में हैं और इससे दोनों पक्षों में टकराहट की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पिछले दिनों निगम ने आदेश जारी कर केवल बुधवार को बाजार लगाने का आदेश जारी किया था, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश का माहौल है और वो निगम अधिकारियों से रोजाना मार्केट लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारे वार्ड में ये बुधवारी बाजार आता है, कुछ बड़े व्यापारियों के द्वारा, बाहरी बालको कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर के बड़े व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे डेली मार्केट ना लगे। 2 साल से कोविड से बहुत लोग परेशान हैं, गरीब जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आज ऑटो चलाने वाला भी अपना घर चलाने के लिए सब्जी का व्यवसाय करना चालू कर दिया है। सबके सब ने एकता होकर आज नया समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष सचिव चुना गया, यहाँ के पर्टिकुलर यहाँ जो व्यवसायी हैं उनमें से इन लोगों ने अपना बनाया समिति और समिति के द्वारा हम कलेक्टर मैडम के पास जाके मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस बुधवारी बाजार को डेली मार्केट के रूप में पूरी तरीके से संचालित करें। डेली मार्केट का 10 साल पहले बोला गया था, जब मंडी बना था तो वो सक्सेस नहीं हुआ था, अब सक्सेस हुआ है तो डेली मार्केट घोषित करना चाहिए बुधवारी बाजार को। और जिसके पास पसरा नहीं है, विरोधी पक्षी बोल रहा है कि साप्ताहिक लगाए, और जिसके पसरा नहीं है, गरीबों का पसरा नहीं है, वो 50,000-1,00,000 रुपए कहाँ से लाएगा। इसलिए बुधवारी में जगह पर्याप्त है, उसे डेली मार्केट का दर्जा दिया जाए।
और वहीं बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद कोरबा फूड विभाग के अधिकारी एक्शन में हैं। अफसरों की टीम ने शहर में लगने वाली फास्ट फूड की दुकानों का निरीक्षण किया और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता समेत सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान कई दुकानों में प्रतिबंधित फूड कॉलर भी पाया गया, जिसे अधिकारियों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया और इसको लेकर व्यवसायियों को चेतावनी भी दी गई है। SECL की सुरात कछार कोल परियोजना में चोरों ने लाखों रुपए की कीमती केबलों को काटकर उसकी चोरी कर ली है। चोरों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर सुरक्षा कर्मियों के मोबाइलों को भी छीन लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर जब भागे तब सुरक्षा कर्मी आजाद हुए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, उससे प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि केबल काट कर ले जाने से खदान में उत्पादन पूरी तरह से रुक गया था, बिजली के साथ पानी की सप्लाई भी रुक गई थी। चोर आए थे सर 35-40 की संख्या थी और केबल चोरी हुआ। हम लोग को बंधक बनाए थे और हम लोग गार्ड में थे, हम तीनों को बंधक बना के रखे थे। उसके बाद हम लोग चोरी किए और हम लोग को मोबाइल को उन लोग रख लिया। हम लोग सर केबल और सेफ्टी लैम्प ये सब की चोरी हुई। जब चोरी हुई जब जाके देखे पता चला तो सब चोरी हुई। बलौदा बाजार में बढ़ते चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने ये अभियान साइबर सेल की मदद से चला है और इस अभियान के तहत पुलिस ने ऑनलाइन मंगाए गए 166 चाकू और संबंधित धारदार हथियार जब्त किए हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल ने बताया कि ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों में से 30 लोग अलग अलग अपराधों में शामिल हैं। वो ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था रुपये के द्वारा, इसको गंभीरता से लेते हुए बलौदा बाजार पुलिस द्वारा भी विशेष अभियान चला कर के जो ऑनलाइन चाकू ऑर्डर हुए थे, जिसमें कि किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अलग अन्य चाकू जैसे खास करके युवा वर्ग के लोग जिसे शो ऑफ के लिए या किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट के लिए या दूसरों को डराने धमकाने में इस्तेमाल होने की जिनकी संभावना थी, उनको संबंधित थानों के माध्यम से प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जब्त किया गया है और सभी को किसी भी प्रकार के अपराधी गतिविधि से दूर रहने के लिए हिदायत दिया गया है। साथ ही जब जो ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किए थे इसमें से जो है रिकॉर्ड जब इनका चेक कराया गया तो इसमें 30 व्यक्ति ऐसे थे जो पूर्व में किसी अपराध में संलिप्त रहे हैं, तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 77वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा लिए प्रदेश के 396 नव आरक्षकों को अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों को पुलिस महानिरीक्षक ने प्रशस्ति पत्र दिया और 396 नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आईजी बीएन मीणा ने बताया कि विद्यालय अपने स्थापना के बाद से केंद्र सरकार की ओर से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। मेरा सोच ये है कि जो मुझे मेरे गुरुजनों ने यहाँ प्रशिक्षण के द्वारा जो भी मुझे सीख दिया उसको मैं अपने लाइफ में आगे जाके समाज के अच्छे कार्य के लिए ही उसको मैं अपने अनुरूप करते जाऊँ, ताकि मुझे आगे और निरंतर बढ़ने का सीख मिले और सदैव मैं उनके बताए हुए ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते जाऊँ और हमेशा अनुशासन में रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने हमेशा अनुशासन में ही रहने को सीख दिया है। आज PTS नंदगांव से 396 पुलिस जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी और काफ़ी अच्छा परेड उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जवान जो देश सेवा के लिए मानव सेवा के लिए जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूर्ति करेंगे और लगातार अच्छा कार्य करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में ताही खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।